उससे फायदा और ना देगा कई आदमी की टांग टूट चुकी है नालों में गलियारों में कोई परेशानी सब परेशानी है यहाँ जुम्मे के दिन जितने पानी से ठीक होने वाला। मोदी के आने से ना कुछ हो रहा है ना केजरीवाल, हमारी तो कोई सरकार वैसे भी नहीं होती, हमें तो हम तो वोट बैंक है, मुस्लिम कम्युनिटी तो वोट बैंक है, बस वोट डलवा लो ना राहुल हमारे काम आता है ना मोदी काम आएगा ना अखिलेश कोई भी काम नहीं आएगा हमारे। अब उस पार्टी में जो है ना कोई बोलने वाला ही नहीं है उसके सामने है ही। और दूसरी बात ये जहाँ हम रहते हैं शाहीनबाग में यहाँ पर ना कोई MLA है और ना कोई पार्षद है, क्योंकि यहाँ पर आवाम खुद काम करा रही है, यहाँ पे एक एक फुट पानी भरा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूँ आपके साथ मेघा। हर रोज़ अलग अलग लोकेशन से आपको सर्वे करके दिखाती हूँ कि इस बार जनता का क्या मूड है, जनता लोकसभा चुनाव में किसको चुनेगी और किसको नहीं। और आज इसी के बीच में मैं आ चुकी हूँ दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में। शाहीनबाग एक ऐसा इलाका है जो काफ़ी सालों तक लगातार फेमस रहा। आज मैं इनकी ही जनता से जानूंगी कि इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं, यहाँ की जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों पर वोट देंगी, किन को चुनेगी सरकार और किसको नहीं, अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन और कौन नहीं। चलिए आइए सीधा ही जनता से सवाल लूंगी और जनता से ही जानूंगी कि उनका मूड क्या है, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार। किसी की सरकार आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा क्यों? आपके एरिया में जहाँ तक मैं सर्वे ले रही हूँ सबको यही जवाब दे रहे हैं, कोई काम नहीं करता, सबको देख लिया, सारे आजमाए हुए हैं, हम किसको हाँ कहें किसको ना कहें या किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें। नाले वगैरह खुले हुए हैं, कब से खुले हुए हैं? तकरीबन 2-3 साल तो हो ही गए। अच्छा, यहाँ की सरकार ने काम नहीं किया, आप लोग कंप्लेन वगैरह करें या नहीं? बहुत लोग तो करते ही हैं, जिसको दिक्कत होती है कंप्लेन तो करता ही है ना। आप इस बार किसको वोट देंगे, क्या पता चेंजेस आए वोट बदले? कह नहीं सकते ये, फिर भी नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता है किसको देने से काम होगा, लास्ट मोमेंट में देखेंगे, जिसको समझ में आएगा देंगे, लेकिन हमारे लिए तो सब बराबर है। बाबा किसको वोट देंगे आप, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। क्यों? बहुत से फायदा और ना देंगे, ये देखो आप यहाँ कई आदमी की टांग टूट चुकी है नालों में गलियारों में कोई परेशानी सब परेशानी है यहाँ जुम्मे के दिन इतने इतने पानी हो जाते हैं घोटे घोटे। देखिए चाचा कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन कहाँ तक पानी हो जाते हैं? इतने पानी हो जाते हैं, बहुत पब्लिक परेशान रहती है जुम्मे के दिन आना। अच्छा। हाँ, जब देखना कितना मामला खराब है यहाँ। अच्छा। तो आप कांग्रेस को वोट देंगे, क्या सुधार चाह रहे हैं कांग्रेस से? कांग्रेस की दे नहीं सब कुछ, सफाई सुथरा है कांग्रेस के अलावा ना कुछ भी। अच्छा। चलिए आगे और लोगों से जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि यहाँ किसकी सरकार होनी चाहिए थी। देखिए सच में यहाँ पर जनता कैसे रह रही है ये भी सोचने वाली बात है। अगला प्रधानमंत्री का चेहरा किसका चाहते हैं? अगला प्रधानमंत्री से दूसरा हो, कोई भी हो, मोदी से अलग हो? अलग हो। क्यों? बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं आपके? सब खत्म कर दिया ना, कान खाने को है ना पीने को है। अच्छा, आपके हिसाब से महंगाई बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई और सभी बढ़ रहा, और क्या क्या बताएं। के हिसाब से आप क्या चाहते हैं, कौन है ऐसे विपक्ष में जिसको आप सोचते हैं कि टक्कर का? कोई भी आ जाए जी, राहुल आ जाओ और कोई आ जा, जो भी अच्छा हो वो आ जा। अच्छा। पर यो ना लगता है कि विकास करेगा राहुल गांधी अगर आ गया? हाँ, अच्छा विकास होगा। अच्छा। बढ़िया। अच्छा। इनके हिसाब से तो कांग्रेस आ जाए या कोई और आ जाए, किसकी सरकार? सरकार किसी की भी चले, किसी हमें तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा। अरे मोदी के आने से ना कुछ हो रहा है ना केजरीवाल, हमारी तो कोई सरकार वैसे भी नहीं होती, हमें तो हम तो वोट बैंक है, मुस्लिम कम्युनिटी तो वोट बैंक है, बस वोट डलवा लो ना राहुल हमारे काम आता है तो ना मोदी काम आएगा ना अखिलेश कोई भी काम नहीं आएगा हमारे, हमें सिर्फ यूज किया जाएगा। हाँ, बाद बाकी इनकी सरकार में इकनॉमी चेक करें लोग कि हाँ क्या क्या है, अंदर तक जाएँ लोग, बस ऊपर ऊपर की बातें सुन सुन के मोदी मोदी योगी योगी करते रहते हैं तो नहीं, अंदर तक घुसे कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी हो रही है, बस ये मैं क्या बोलूँ, हमें बस यूज किया जाता है इतना मुझे पता है। आपके हिसाब से मुस्लिम कौम को यूज़ किया जाता है, वोटर बैंक माना जाता है। किसका आप अगला प्रधानमंत्री का चेहरा किसका देख? मोदी जी बढ़िया है और क्या। क्यों? बढ़िया, अच्छा काम करते हैं देश के लिए और दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए भी और डबल काम अच्छा करेगा, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या काम चाह रहे हैं? सारे काम कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो
सरकार उसी की बननी चाहिए जो काम करे। आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है? काम मेरे हिसाब से तो भाई क्या बताऊं मैं, आपको लग रहा हो? दिल्ली में तो केजरीवाल कर रहा है। यहाँ पे हो रहा है काम? हाँ बहुत काम हुआ है। शाहीन बाग में काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे पार्षद हो चाहे विधायक हो कोई काम नहीं कर रहा शाहीन बाग में। क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या काम होने से? सबसे बड़ा मुद्दा शाहीन बाग का तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे साफ सफाई सबसे बड़ा पहला, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ सफाई का है शाहीन बाग में। इसकी सरकार चुनेंगे आप? मेरे हिसाब से देखिए काम जो कर रहा है केजरीवाल कर रहा है दिल्ली में। अब सलाखों के पीछे है, अब उसमें क्या बोला जाए, अब उसमें क्या कहा जा सकता है। बाकी देश में तो काम मोदी जी सही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा आपको हम देखना चाहते हैं? देखिए भाई अब 10 साल हो गया है, लोगों को चेंज चाहिए। चेंज में किसका, विपक्ष पार्टी का आप देखते हैं? विपक्ष में कोई है ही नहीं। तो फिर चेंज में क्या चाहते हैं? चेंज में कोई ऐसा विपक्ष आए जो मुद्दा सही उठाए लोगों का। लोगों का मुद्दा उठना चाहिए, मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। कौन है ऐसा चेहरा विपक्ष में? कोई नहीं है ऐसा चेहरा। नहीं है? नहीं। तो फिर किसको वोट देंगे प्रधानमंत्री? गांधी जी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को आना चाहिए। फिर किसका चेहरा आप चाह रहे हैं विपक्ष में? कोई है ही नहीं जो जो लड़ सके। इस बार अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? कांग्रेस की। कांग्रेस से कौन? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस से कौन, किसका चेहरा? राहुल गांधी। क्या लगता है कि आप आएंगे या नहीं? आपके तो कह नहीं सकते लेकिन कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। देखिए एक बीजेपी जो विपक्ष पार्टी में है बड़ा तगड़ा टक्कर है वो। हाँ टक्कर तो है लेकिन हम लोग सब तो सपोर्ट करेंगे सब कांग्रेस को ही। जी शुरू से उसको ही कर रहे तो उसी को करेंगे। क्या क्या सुधार चाहेंगे आप? सुधार यही है कि मतलब एजुकेशन के ऊपर मतलब काम करे, प्लस फिर रोड वगैरह का काम करे, बिजली वगैरह पे काम करे। यहाँ पे रोड वगैरह का भी ऐसे ही मसले हैं, सारे नाले वाले सारे खराब हैं, सीवर ऐसे ही बहता रहता है बिल्कुल ही, कहीं पे कोई काम नहीं। अगर बारिश होती है तो पूरे पानी जम जाते हैं, हर चीज़ की दिक्कत होती है इंसान को। आप क्या कह रहे थे कि मोदी को वोट देंगे? हाँ जी बेस्ट वही है, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री अभी तक वही है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी में जो है ना कोई बोलने वाला ही नहीं है, उसके सामने है ही नहीं मोदी के सामने। और दूसरी बात यह जहाँ हम रहते हैं शाहीन बाग में, यहाँ पर ना कोई MLA है और ना कोई पार्षद है, क्योंकि यहाँ पर आवाम खुद काम करा रही है, यहाँ पर एक एक फुट पानी भरा रहता है मार्केट के अंदर। तो इसलिए हमारे लिए तो बेस्ट वही है कि मोदी को वोट दी जाए, और मुसलमानों से भी यही है कि मोदी को वोट करें। आप किसको वोट दोगे? केजरीवाल। गठबंधन है कांग्रेस से इसलिए। अच्छा। अब वोट बटने का कोई काम नहीं है। और आपके हिसाब से किन मुद्दों पे काम करेगी केजरीवाल और क्या काम करें यहाँ पे? स्कूल। अच्छा यहाँ पे हुआ? हाँ हुआ। कितना हुआ? कितना क्या हुआ, पहले से तो बेहतर हुआ। आपको और क्या चेंजेस चाहिए यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जैसे थोड़ी सी मैं देख रही हूँ सफाई नहीं है। ये चाहिए, यहाँ पर सफाई इनका थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी जरा ये बन रहे हैं ना, अभी नाला कनेक्ट नहीं हुआ है, जो नाला बनना है मेन नाला, ट्रैक्टर लगे हुए हैं आपने देखा होगा मेन नाले वाले रोड पर ट्रैक्टर लगे हुए हैं, अभी वो काम कम्प्लीट नहीं हुआ है। जब तक तो वो काम कम्प्लीट नहीं होगा जब तक तो ये ऐसे ही रहेगा। वो थोड़ा गड़बड़ा गया है काम, जो इन्होंने शुरुआत अच्छी नहीं की, शुरुआत करनी चाहिए थी वहाँ शुरू से, इन्होंने पहले यहाँ खोद दिया था, इसलिए थोड़ा इसकी परेशानी हो रही है। वरना केजरीवाल की सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गठबंधन हो गया है। अगर गठबंधन नहीं हुआ होता तो आदमी कंफ्यूज रहता कि कांग्रेस को दे केजरीवाल को, इसलिए तकरीबन यहाँ केजरीवाल है क्योंकि सीट केजरीवाल के हाथ में है। हाँ जी किसको वोट देंगे इस बार? हम तो देंगे मोदी को जी। क्यों? अच्छा काम करेगा, यहाँ देखिए आम आदमी को दे के थक गए, नाली ना बन रहा, टूट रहा है डेली, आदमी गिर जाता है यहाँ पे। मोदी को वोट देंगे, कम से कम काम तो करेगा। गड्ढा कॉलोनी देख लो, वहाँ BJP की सरकार है, वहाँ देख लो बढ़िया चल रहा, तो उन्हीं को देंगे। नाली बनेगा देखो, 4-व्हीलर आ रहा है। आपके हिसाब से पिछले 5 सालों में यहाँ कोई काम? कोई काम नहीं हुआ, लोग फरार हैं यहाँ से। अच्छा। देखना रहे हो का नाली टूटा है, लोग अपने पैसे दे दे के नाली बनवा रहे हैं। अच्छा। हमारी पार्किंग अंदर है, गाड़ी आने में तकलीफ होती है, तो फिर फायदा क्या आम आदमी को वोट दे के? क्या सुधार चाह रहे हो बीजेपी से? बीजेपी सिर्फ नाली और उसके अलावा? हाँ बस नाली बना दे, उसके अलावा तो सुधार कर ही देते हैं सब कुछ। चलिए यहाँ की जो जनता है वो बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। जैसे कि
आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि थोड़ा सा कैमरा वहाँ की तरफ उनकी तस्वीरें दिखाए, उस तरफ की जहाँ यहाँ गड्ढा है। आप देखिए इस मोहल्ले का हाल क्या है। ऐसे में तो देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, काम नहीं है, यहाँ बिल्कुल सरकार जो है ध्यान नहीं देती है। पिछले 5 सालों से ऐसा ही हाल है, यहाँ पे रोज़ गड्ढों में जो है लोग डूब रहे हैं, गड्ढों में जो है गिर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो आपने सुना यहाँ की जनता का क्या माहौल था। देखिए यहाँ की जनता, जहाँ तक मैं आज सर्वे में समझ पाई हूँ, बड़ी परेशान है। क्योंकि आपको जैसे कि मैंने दिखाया बीच बीच में, किस्सा कुर्सी एक ऐसा शो है जहाँ मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, और यहाँ की जो जनता थी उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यहाँ की जनता के हिसाब से यहाँ पे 3 सालों में काम नहीं हुआ, जहाँ तक कि मुझे भी यही नज़र आ रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, और यहाँ की जो जनता थी थोड़ी सी मुझे डगमगाई हुई नज़र आई, क्योंकि ना तो वो किसी को वोट देना चाह रहे हैं, ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, और जो बोल भी रहे हैं उनके हिसाब से, कुछ कुछ लोगों के हिसाब से तो वो नोटा का बटन दबाएंगे। तो देखना यहाँ का दिलचस्प रहेगा कि यहाँ किसकी सरकार बनेगी इस एरिया में, किसका अब इस साल 2024 में सिलसत्ता लहराएगा और किसका नहीं। लेकिन आप बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।